हिमाचल में पुलिसकर्मी जब कोरोना पॉजिटिव आया है तब से हिमाचल के सभी जिला में पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर जिला के सभी उच्च अधिकारी चौकन्ने हो गए हैं। सोलन जिला के साथ पुलिस की टीम भी सुरक्षित रहे इसलिए सभी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। सोलन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि पुलिस जिला में हर आने जाने वाले व्यक्ति पर पैनी नजर रखे हुए हैं और उनके संपर्क में आती है और उनसे पूछताछ भी करती है, इसलिए संक्रमण होने का खतरा उन पर हमेशा मंडराता रहता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला सोलन में करीब 600 कर्मी सेवाएं दे रहे हैं, वहीं नियमों की अवहेलना ना हो इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, इसलिए 5 टुकड़ियों को बाहर से भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 300 होमगार्ड के जवान भी कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन सभी की सुरक्षा को देखते हुए ग्लव्स, सैनिटाइजर और जहां जरूरत हो वहां पीपीई किट, फेस शील्ड भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस की इम्यून सिस्टम को ताकत प्रदान करने के लिए काढ़ा और विटामिन भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी बाहर से आए छात्रों को भी लेने गए थे, उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया है। वहां सभी जवानों के टेस्ट क्रमबद्ध तरीके से करवाए गए थे। उन्होंने कहा कि पुलिस और होमगार्ड के सभी कोरोना वॉरियर्स बनकर समाज की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसमें किसी भी तरह से समाज को सुरक्षा प्रदान करने में कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं वो 600 के करीब हैं। इसके अलावा 5 रिजर्व्स हमारे पास बाहर से आई हैं जो फोर्स यहाँ पे इंटर स्टेट बैरियर्स पे और इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स पे लगाई गई है, तो ये लगभग 750 की स्ट्रेंथ बनती है। इसके अलावा हमारे पास 300 के करीब होमगार्ड हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ जो है सोलन पुलिस डिस्ट्रिक्ट की 1000 के करीब इस टाइम है, जो कि फील्ड में ये कोरोना जो पेंडेमिक है इससे लड़ने के लिए डिफरेंट ड्यूटीज कर रहे हैं। इसमें जो हमारा थाना का स्टाफ है वो भी शामिल है, क्योंकि पुलिस वाले फ्रंट लाइन वर्कर हैं ड्यूरिंग दिस जो ये हमारा क्राइसिस का टाइम चल रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक तो पुलिस को जो भी पर्सनल्स जहाँ पे भी डिप्लॉयड हैं उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, उनको ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध कराए गए हैं और टाइम टू टाइम और भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो यहाँ पे आयुर्वेदिक विभाग है उन्होंने लगभग 700 पैकेट काढ़े के प्रोवाइड करवाए हैं, वो भी उनको दिया गया है ताकि वो जो है उसको उसका सेवन करें और उनकी इम्यूनिटी ठीक रहे। इसके अलावा जितने भी यहाँ पुलिस पर्सनल्स हैं इनको मल्टीविटामिन की टैबलेट भी दी जा रही है ताकि उनकी अपनी इम्यूनिटी जो है वो ठीक रहे। इनको फेस शील्ड्स भी प्रोवाइड करवाई गई हैं और इसके अलावा पीपीई किट्स का भी प्रावधान है हमारे पास, अगर जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे सेंसिटिव ड्यूटी होगी तो पीपीई किट भी इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पे जितने भी पुलिसकर्मी हमारे फ्रंट लाइन पे लगे हैं, फील्ड में हैं, उनका COVID-19 जो टेस्ट है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से उसको भी करवाया जा रहा है और ये डेली के लगभग 5 या 6 टेस्ट हमारे यहाँ पे करवाए जाते हैं। कुछ परसेंट स्टाफ जो है उनको नाका से थाना से विड्रॉ करके यहाँ पे टेस्टिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो अभी तक हमारे लगभग 50 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं और बाकी क्योंकि अभी हेल्थ डिपार्टमेंट ने टेस्टिंग अर्की और कंडा घाट में भी शुरू किया है तो ये नंबर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और जितने भी लोग हमारे फील्ड में यहाँ लगे हैं उनके सभी की जो है कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा।